नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से क्लेमेटाइज वाइन फ्लावर के साथ, और कि देखिए दोस्तों कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं और बहुत ही खुशबूदार इसके ये फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे। और देखेंगे कितनी हेवी ब्लूमिंग हो रही है इसमें, बहुत ही शानदार। और चारों तरफ से दिखाती हूँ, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये मैंने रोड साइड पर, हमारे यहाँ मिलता है, अभी प्लांट मिलते हैं बारिश में, तो वहीं से लिया है। और दोस्तों 200 रुपये में मुझे ये पड़ा है। दोस्तों मुझे इसका नाम भी पता नहीं था, मैंने जब लिया उनसे तो इन्होंने मुझे ये जूही के नाम से दिया था ये प्लांट। और वैसे मैंने इसके नाम से वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि जूही की दोस्तों बहुत सारी वेरायटी आती है। मैंने सोचा कि ये वेरायटी शायद मैंने कभी देखी नहीं होगी, और ये प्लांट मैंने देखा भी नहीं था, तो वो मेरे से गलती होगी। फिर मेरे एक जो यूट्यूबर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे नाम बताया, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ऐसे हेल्प अगर हमें मिलती रहे तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों हम सभी पौधों के बारे में जानते भी नहीं हैं, तो फिर वो मैंने वीडियो रिमूव करी है और फिर वापस से मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से हेल्दी ये वाइन है, और बहुत ही हेवी इसमें ब्लूमिंग होती है। समर और जो अभी बारिश चल रही है उसका बहुत ही अच्छा प्लांट है। और जो थोड़ा सा ये विंटर में फ्लावरिंग बंद कर देता है या कम हो जाती है। अभी मुझे इस प्लांट के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं इस प्लांट को जैसे मेरे यहाँ लगा रहेगा, तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं इस प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट में कहीं कहीं पत्तियों पर फंगस वगैरह लगा है, और कहीं पर कटे हुए भी है, तो कीड़े वगैरह भी लगे होंगे। तो हम इन जो पौधे से इन पत्तियों को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये फंगस इस प्लांट के साथ साथ जो हमारे गार्डन में दूसरे प्लांट लगे हुए हैं उनको भी लग जाएगा, तो मैं इन पत्तियों को हटा देती हूँ। अच्छा, तो अब ये देखिए दोस्तों कितने ख़राब हो रहे हैं पत्ते, तो मैंने ये सारे हटा दिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, और बहुत ही खुशबू इन फूलों में होती है, तो शाम के वक्त शायद ये फूल खिलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जब से लाई हूँ मैंने इतने ढेर सारे फूल खिले हुए देखे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पॉट मैंने लिया है, और इतना बड़ा पॉट है, 12 से 14 इंच का। दोस्तों अगर अच्छी हेवी फ्लावरिंग चाहिए तो हमें पॉट भी उसी हिसाब से लेना होगा, और ये जो वाइन है बहुत ही लंबी जाती है, तो हम इतना बड़ा ले लेंगे। ये ड्रेनेज देखिए दोस्तों, ढंग से बना नहीं पाई, क्योंकि इतना जो कड़क प्लास्टिक था, तो बहुत ही मुश्किल से ड्रेनेज हुए हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कर दिए हैं मैंने जैसे तैसे। तो कभी कभी हो जाता है दोस्तों, पुराना पोटी मैंने लिया है, तो ये देखिए इससे पानी बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पर कॉटन लगा दिया है, और कॉटन कपड़े लगा देने से क्या होगा, पानी छन के बाहर जाएगा, और जो हमारे मिट्टी है ड्रेनेज को बंद नहीं करेगी, और इसके साथ ही जो पानी है वो गंदा नहीं होगा, तो मेरी छत भी गंदी नहीं होगी। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। आप चाहे तो टिकरी, अगर जो मिट्टी के घड़ों की होती है, वो भी लगा सकते हैं, उससे भी हमारे ड्रेनेज अच्छे से कवर हो जाते हैं, लेकिन मैं कपड़ों का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। और हमारे यहाँ फालतू वेस्ट कॉटन के कपड़े रहते ही है, इनमें पानी आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने ड्रेनेज बनाए हैं। इससे साइड में मैंने ड्रेनेज इसलिए बनाए हैं कि आसानी से जो जड़े हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, इधर से भी हवा जाती रहे, और नीचे भी बहुत सारा ड्रेनेज मैंने बना दी है। और अब हम देखेंगे मैं किस तरह की मिट्टी इनके लिए यूज़ करती हूँ। पुराना पोट है ये, देखिए दोस्तों, ये मैं मूंगफली के छिलके यूज़ करती हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे लाइट वेट गमला होगा, और ये जो मूंगफली के छिलके अच्छे से धीरे 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 डिकम्पोस्ट होते हैं, बहुत ही स्लोली, तो मेरे खाद भी तैयार होती जाएगी और मेरे लाइट वेट गमला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मेरे खाद भी तैयार हो जाती है, और पौधे भी इसमें अच्छे से रहते हैं। तो इस तरह से दबा दबा कर मैंने मिट्टी को भर लिया है, सॉरी मूंगफली के छिलके को भर लिया है। दोस्तों हमारे यहाँ पर वैसे सारी चीज़ें हाथ से ही होती है, तो मूंगफली के छिलके आसपास मिल ही जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बालू रेत ली है, और ये इतनी बालू बारीक है, और ये मिट्टी है, ये इसमें थोड़ा बहुत कंपोस्ट भी मिला हुआ है जो सूखी पत्तियों का मैंने बनाया था, तो इस तरह से अभी, और बारिश की वजह से गीली भी हो गई है, तो कुछ चीज़ें इसमें मिली हुई है, पर ठीक है, चल जाएगी ये सारी मिट्टी। और इसके बाद ये गोबर खाद मैंने ली है, और गोबर खाद के बाद ये दोस्तों, ये भी
जो भूसी आती है उसको मैंने डिकम्पोज किया था, तो अच्छे से हो गई है। तो इसकी भी खाद बन गई है, बहुत ही अच्छी पोरस खाद बनती है, तो मैं इसका भी यूज कर लूँगी। थोड़ी सी मैं डाल के देखती हूँ कैसी। और ये राख ली है वुडेश, मेरे पास फंजीसाइड नहीं है तो मैंने वुडेश का इसमें यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है फंजीसाइड का, तो हम इसको ले सकते हैं। अब हम इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको मिक्स करके और फिर हम अपना जो प्लांट है रिपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों ये क्लाइमेट, मुझे तो नाम भी थोड़ा अजीब सा लगा है, जितने सुंदर फ्लावर है उतना सुंदर इसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है। और दोस्तों ऐसे प्लांट हमारे यहाँ बहुत ही कम मिलते हैं, तो थोड़ा दिक्कत आती है, और हर प्लांट को जानना थोड़ा उसके बारे में। गमले की मिट्टी सभी की एक जैसी होती है लगभग, क्योंकि गमले में मिट्टी हमें पोरस बनानी होती है जिससे ड्रेनेज से पानी अच्छे से बाहर चला जाए। तो उस हिसाब से ये देख सकते हैं मैं ये मिट्टी बना रही हूँ, और इस प्लांट के बारे में मुझे पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं अच्छे से दबा दबा कर छिलके भर दूंगी, और ये सारी मिट्टी मैंने इसको इस तरह से मैं डाल दूंगी, अच्छे से फैला देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो जड़ें हैं वो मूंगफली के छिलकों से टच नहीं होगी, जिससे कि फंगस वगैरह नहीं लगता है जड़ों को। वैसे ये सूखा है। अब दोस्तों ये इसमें लाल मिट्टी में जो हमारे प्लांट लगा हुआ है तो बहुत ही मुश्किल से निकलता है। और दोस्तों जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो अच्छे से अपने मिट्टी में गोबर खाद मिला लें। गोबर खाद सबसे बेस्ट खाद होती है पौधों के लिए, और दोस्तों सभी सीजन में आप ये खाद यूज कर सकते हैं। और बार बार अगर आप खाद देना नहीं चाहें तो ये खाद सबसे बेस्ट होती है, तो ये खाद आप ज़रूर मिला लीजिए। मैंने 30-30% सभी लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैली हुई, गमले में पूरी लपेटाई हुई थी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इनकी जो जड़ें हैं एक्स्ट्रा उनको हटा देंगे, और ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ा ही सेंसिटिव प्लांट होता है और समर का बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस तरह से हम कुछ जड़ें इसकी निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे नीचे की जड़ें हैं, थोड़ी काली भी हो रही है, तो हम इनको हटा देंगे। इससे प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो हमारा प्लांट है और अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों ये प्लांट ये वाइन है एक तरह का, और बहुत ही हेवी फ्लावरिंग करता है, तो इस वजह से जो मैं लेकर आई थी, और थोड़ा मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, तो मैं जूही के हिसाब से इसको लेके आई थी। उन्होंने, नर्सरी वाले भैया ने मुझे जूही के नाम से इसको दिया है, और मैंने वीडियो भी बना ली। तो थोड़ा सा दोस्तों जब भी प्लांट या फिर कुछ भी चीज़ लाए उसके बारे में आपको जानकारी ना हो तो यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कर ले, गूगल पे ज़रूर सर्च कर ले। वो गलती मैंने की है, और मैंने दोस्तों रिमूव इसलिए ही की है क्योंकि जब मुझे ही पता नहीं है तो मैं दूसरों को क्या इसके बारे में बताऊंगी। इस तरह से दोस्तों मैंने जड़ें हटा दी है, बहुत ही हेवी फ्लावरिंग होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये इस प्लांट को अगर हम टाइम टाइम से खाद वगैरह देते रहें, लिक्विड खाद हम इसको देते रहेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और ये ख़राब भी नहीं होगा। इसमें हमने जो राख मिला दी है फंजीसाइड, और ये थोड़ी मिट्टी भी मैंने हटा दी है, और इस मिट्टी को अच्छे दबा दबा के हम भर देंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे हमने मूंगफली के छिलके भरे हैं, और मूंगफली के छिलके दब कर जैसे ही पानी हम डालेंगे दब दब कर नीचे चले जाएंगे, तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं तो ये क्या होगा कि ये भी नीचे चला जाएगा। तो हम मिट्टी को अच्छे दबा दबा के भर देंगे, और इससे बिल्कुल भी हमारे प्लांट को कोई डैमेज भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैं अपने और जो जो एक्स्ट्रा जड़े हैं मैं उनको हटाती भी जा रही हूँ। दोस्तों इसमें हम अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए जो है बनाना प्रिल आप दे सकते हैं, और इसके साथ ही हम देंगे इसमें सरसों खली का खाद। इससे क्या होता है दोस्तों कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और आप चाहे तो इसमें, अभी मेरे पास नीम खली नहीं है, आप नीम खली का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, तो उससे फंगस वगैरह लगने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। दोस्तों हम जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो थोड़ा उनको चलाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो है केमिकल युक्त फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो हम जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें भी कर सकते हैं हम भी, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम उसे अच्छी फ्लावरिंग दे सकते हैं। कभी कभी मैं एनपीके खाद और इनका यूज़ कर लेती हूँ, डीएपी का,
अगर हमारे यहाँ मिल जाती है तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ दोस्तों। इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन मिट्टी से पानी बाहर ज़रूर आ जाना चाहिए, जिससे कि पानी मिट्टी में ठहरना नहीं चाहिए। अच्छे से दबा दबा कर आप इसको पानी को पूरी तरह से सब दूर फैला दीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा टाइम बाद दिखाऊंगी ये प्लांट के, ये जो है पूरा जो है पूरी मिट्टी नीचे चली गई है, क्योंकि जो गीलेपन की वजह से जो मूंगफली के छिलके हल्के हल्के से गल जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने साइड से पानी जाने के लिए रख दिया है, तो पानी अच्छे से सब जगह चला जाएगा। इस तरह से बिल्कुल भी परहेज मत करिए दोस्तों, मिट्टी में हाथ करने से कोई हमारे कोई इससे कोई खराबी नहीं होती है, और मैं सारा काम अपने हाथों से ही करती हूँ। और दोस्तों, मेरे जहाँ पर भी गलती हो आप मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर इतने तरह के प्लांट नहीं मिलते, कुछ ही प्लांट मिलते हार्डी। और वो ये जो एक्स्ट्रा प्लांट हम लेकर आते हैं, ये सिर्फ बारिश के टाइम पे ही नर्सरी में मिलते हैं, और मैंने ज़्यादातर प्लांट कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है, तो मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ड्रेनेज से पानी बाहर आ रहा है, तो हमने ड्रेनेज अच्छे बनाए। ये देखिए दोस्तों, ड्रेनेज से पानी बाहर आ गया है, तो अब हमारा प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। और आपके घर में अगर मूंगफली के छिलके हैं और आप चाहे तो इनको पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ड्रेनेज से पानी बाहर आ रहा है, और इस तरह से मैंने अपने पॉट को रिपोर्ट किया है। और जहाँ पर अच्छी धूप आती हो वहाँ पर ये प्लांट हमें रखना है, जहाँ पर 3-4 घंटे 4-5 घंटे की धूप आती हो वहाँ पर आपको ये रखना है। तो मैं ऊपर वाली टेरेस पे मैं इसको वहाँ पर रखूँगी, और अभी रिपोर्ट किया है तो थोड़े प्लांट के बीच में छिपा कर रख दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे जो जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की।